हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का शर्मला डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। सुबह सुबह का काम है कि मैं थोड़ा देख लेती हूँ भाई सब ठीक ठाक है, और इनको देख करके एक अपने आप में एक फ्रेशनेस फील होती है। तो भले कितना भी इंसान टायर्ड हो, टेंस्ड हो, तो ये जो मैं सब्जियां देखती हूँ उस पर लटकी हुई, तो मेरे को बहुत खुशी हो जाती है। ओ माय गॉड, दो करेले खराब हो गए। क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई आपको? ये देखिए, और ये मेरी लहसुन लटकी हुई है, मैंने ऐसे यहाँ पर हैंग कर दी थी। पहाड़ के घरों में ऐसे ही करते हैं, तो मैंने देखा था तो मैंने भी ऐसे कर दिया। तो ये है मेरा करेला, इसमें करेले लगे हुए काफ़ी सारे, और ये जुकनी तो मेरी बहुत ज़्यादा तितर बितर पेड़ हो चुका है, मतलब इसने उग्र रूप धारण कर लिया, इतना बड़ा हो गया। लौकी को भी ये दबा रहा है, तो इसको थोड़ा सा छटाई करनी पड़ेगी। तो ये है एक और खीरे का पेड़, ये जुकनी, जुकनी आज काटूंगी। मतलब अभी तो मैं सब्जी कोई नहीं काटूंगी, क्योंकि तोड़ूंगी, मतलब क्योंकि अभी कुनार का टिफिन तैयार करना उसको मैच खेलने जाना है रुद्रपुर। ये लगे हुए मेरे बैंगन, देख रहे हैं आप? 1 2 3 तो आपको दिख रहे हैं, 4 भी दिख रहे हैं, 5 भी दिख रहे हैं, बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं, ये देखिए। तो आज इनको तोड़ेंगे, तो फिर तब तक मैं चाय वाय बना लेती हूँ। मॉर्निंग व्यू आपने आपको मैंने दिखा दिया। ये है गिलोय, ऊपर से नीचे लटक रही है, और करेला नीचे से ऊपर को जाता हुआ, ये देखिए। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, देख रहे हैं आप? ये ऐसे तार को जिगजैग बांध लिया था। करेले हो ही रहे हैं फिर काफी सारे, तो खा करेले अपने घर की जितनी भी हार्वेस्टिंग हो मिलजुल के खाना चाहिए, है ना? मुझे लगाने का बहुत शौक है, इतना कि मतलब मैं एक आध बार में खा लूँ तो काफ़ी है, बाकी फिर चलो कभी कभी किसी दिन किसी को दिया, कभी किसी दिन किसी को दिया, थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें भी लटकी रहे करेले, करेले की मैंने एक दो। तो अब मैं बना लेती हूँ कुनार के लिए टिफिन, और उसको अभी का ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। टिफिन में आलू पूरी बनाते, को ना आलू पूरी बना दूँ आपके लिए टिफिन में? अब मैं यहाँ आ गई हूँ टेरेस गार्डन में, तो ये बैंगन लगे हैं तो मैं बैंगन तोड़ लेती हूँ थोड़े से, वरना फिर ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, मतलब बीज थोड़े बड़े हो जाते, तो इनको तोड़ लेती हूँ। देख रहे हैं इनको, ये सोच रहे हैं कुछ खाने का है इनके मतलब का। ये मैंने बैंगन तोड़ लिया, और ये मेरे साथ ये चुन्ने मुन्ने भी हैं माधुली के, ये देख रहे, मस्ती कर रहे, मस्ती 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 कर रहे, मस्ती। कभी कभी तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे किचन का मैं दरवाजा खोल, देख रहे हैं आप इनकी शरारत। इसमें ये वाला थोड़ा तेज है, ये ज़्यादा एक्टिव है, ये देखिए इन्होंने पेड़ को बहुत तोड़ा भी है। अरे 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 माधुली इसको लगता है ज़्यादा प्यार करती है। तो मैं ये जुकनी भी तोड़ लेती हूँ, तो ये अब मैं ये जुकनी भी तोड़ लेती हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, म्याऊ म्याऊ क्यों कर रहे हो भाई? तो इसको भी तोड़ लेती हूँ, इसको, ये देखिए। इस ये जो इतने अच्छे करेले हो रहे हैं, इसमें जो मैंने डाला है सिर्फ मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काउडंग पड़ा हुआ है, लेकिन काउडंग जो पड़ा है वो बहुत कम से कम 3 साल
पुराना खाद हमने इसमें डाला था, ये नया ही क्यारी इधर हमने ये टेरेस में बनाया है, ये जो पोर्शन है। तो ये ऊपर भी इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितने दिन हो रहे, 60 या 65 दिन हो रहे होंगे इस बेल को तैयार हुए, और इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ आके तो दिल खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी बोलते होंगे बस तारीफ़ करती रहती है। मैं अकेले ही ये सब करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे फ़ोन को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से कैंची नहीं चलेगी, कैंची राइट हैंड से ही चलेगी, तो खुद ही करना है। तो सो आल की फोन मिला मेरे किचन गार्डन से, मतलब जो मेरा टेरेस गार्डन है वहाँ से मिले हैं मुझे ये बैंगन, ये करेले। करेले तो खैर, बैंगन तो मैंने फर्स्ट टाइम ये हार्वेस्ट किए हैं अभी। करेले तो कम से कम 5-6 बार इससे पहले भी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। दो तीन बार, बाकी मैंने दो अपने दोस्त लोगों को भी एक एक बार के लिए दिया है। इस कलर की जुकनी मैंने फर्स्ट टाइम अपने टेरेस गार्डन में लगाई, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, इको बाज़ार से ना। हाँ तो ये देखिए, ये मेरे सारे जो मैंने सीड्स मंगाए थे ऑनलाइन मंगाए थे ये, तो ये काफ़ी अच्छे हुए। तो अब मैं बैंगन को सिर्फ लंबे लंबे स्लाइस में फ्राई करूँगी मसाले के साथ, हल्का मसाला, चाट मसाला डाल कर। तक मेरे बैंगन बन रहे हैं, मैं रूफ टॉप पर देख के आती हूँ, पानी वानी डालती हूँ। तक मैं 5-7 मिनट में मेरे को पानी डालने में लगेगा, पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, अभी थोड़ा पानी का फ्लो अच्छा हो गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी आधा पानी मेरा भरा हुआ है, तो मैं पानी डाल देती हूँ। तो पानी भर रहा है, और ये मैंने प्लांट्स में ये पानी, ये मेरी मिर्ची के पेड़ हैं इनमें पानी डाल दिया है। तो अभी तो इसमें देखिए फ्लावरिंग बम्पर हो रही है, देख रहे हैं आप, कलियां 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 ही हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले कि मैंने पूरी हार्वेस्टिंग कर ली है, इसमें फ्लावर खिल चुके हैं, इनमें भी खिल चुके हैं, उसमें खिल चुके, बाकी ये 4-5 में कलियां। तो ये रूफ टॉप में मैंने ये लगाया हुआ है, ये जो ड्रम को हाफ कट करके ये एक प्लांटर बनाए हैं हमने 4, ये देखिए एक ड्रम को काटा तो 2 बने। ये मतलब वरना लोग हाफ हाफ में काटते हैं अधिकतर, हमने इसको लंबाई में काटा है, तो ये काफ़ी अच्छे मतलब क्यारी का रूप ले लेता है, जिसमें कि मेरा एक पपीता भी लगा है, मिर्ची के 2-3 पेड़ लगे हैं, और एक लौकी अच्छी खासी हेल्दी सी ग्रो हो रही है। तो ये जो प्लांटर में मैंने ये जो ड्रम का हाफ हाफ प्लांटर है, इसमें अभी मिर्ची भी अच्छी वाली होने वाली है, क्योंकि फूल खिल रहे हैं। रूफ टॉप में भी करेले हो रहे हैं, इस बार मेरे करेले बहुत जगह हो रहे हैं। मैंने कितने 3, एक वो देखिए एक यहाँ पे लगाया और 2 टेरेस में लगाया, जो टेरेस का गार्डन नया बनाया था नीचे किचन के सामने, और ये है रूफ टॉप में। तो ये रूफ टॉप का है, इसमें भी करेले देखिए, आप खुद ही देखिए कितने लगे हुए हैं। तो आज के करेले मैंने तोड़ दिए हैं रूफ टेरेस से, और ये हम तोड़ेंगे कल नहीं तो परसों, डेली डेली करेले नहीं खा सकते। और ये मेरा लाल साग भी तैयार हो रहा है, ये इसको तोड़ेंगे हम, क्योंकि आज 2 सब्जी हम तोड़ चुके हैं, तो ये मैं इसी में तोड़ करके इसी पे ही फेंक देती हूँ, ताकि इसमें ही घास से खाद बन जाए। तो ये मैं पपीते थोड़े से कसर है, तो ये 1-2 दिन और लेंगे, क्योंकि अभी दब नहीं रहे, पीले तो हो गए हैं लेकिन टाइट हैं, तो मैं
अभी चलते हो नीचे क्योंकि बैंगन की सब्जी बन चुकी है। टाटा बाय बाय। धूप बहुत तेज हो गई है, नीचे सब्जी का क्या हाल है वो देखते हैं। पानी सबको ना आपका टिफिन पैक कर दिया है, सब्जी और आलू और बैंगन की सब्जी अलग। तो पूरा ब्रेकफास्ट होने के बाद ये फिर मैंने छत वत सब टेरेस वेरस सारा पानी डालने के बाद अब ये पानी डाल दिया है फ्रंट बालकनी में। ये देखिए अब यहाँ पे वाइपर मारना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसको मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।